आज इस भाग में वाटर कलर से रियलिस्टिक पोर्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड, मैं अशोक पारके, मेरे आर्ट माई सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले ब्लैक एंड ब्लू कलर मिक्स करके चश्मा कलरिंग कर रहा हूँ और जहाँ लाइट है वो भाग मैंने पेपर का व्हाइट छोड़ दिया है और स्किन टोन करने के लिए मैंने लाइट रेड यूज किया है। आई के नीचे शेडो है इसलिए थोड़ा सा ब्लू एंड रेड लाइट कलर यूज किया है और बीच बीच में ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है। मैं रेफरेंस फोटो में जैसे शेडो और कलर दिखते हैं उस तरह कलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाक नोज के ऊपर डार्क टोन शेडो और हाईलाइट दिखाई दे रही है जैसे फोटो में है, उसी तरह वाटर कलर में पेपर का भाग व्हाइट छोड़ने से फोटो और भी अच्छा दिखता है। पेंटिंग को बारीकी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्किन टोन रेड लाइट टू डार्क करने के बाद मैं उस पर डिटेल्स वर्क दिखाना चाहता हूँ, इसलिए डॉट्स दे रहा हूँ, उससे पेंटिंग और रियलिस्टिक लगते हैं। बाल बनाने के लिए लाइन यूज किया है। फोटो में जैसा बालों का शेप है उस तरह स्ट्रोक दिया है लाइन का और बालों में लाइट बाल और व्हाइट बाल दिखाने के लिए पेपर का व्हाइट भाग छोड़ दिया है। बाल बारीकी से करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से जहाँ शैडो है उस पर थोड़ा सा डार्क कलर दिया है। इस पेंटिंग में मैंने ब्लैक ब्लू रेड एंड ब्राउन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है लेकिन लाइट टू डार्क किया है। एकदम ज़्यादा डार्क करना ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा लाइट से जहाँ डार्क है उस हिसाब से कलरिंग कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को देखकर ऐसी कलरिंग करने की कोशिश करो, ये मेथड अच्छी है और इंटरेस्टेड है। आप नए हो तो शुरू में आपको हार्डवर्क लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करने से आप इजी कर पाओगे। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
अपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी, इसलिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक कर देना। और आप चैनल पे नए हो तो मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं आपको जल्द ही फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।